आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। आज मैं आपके लिए तीन फ्रेजल वर्ब लाया हूं और बैंग शब्द है, मेन वर्ड है बैंग। देखें वो तीन फ्रेजल वर्ब कौन कौन से हैं, बैंग अबाउट, बैंग ऑन, बैंग आउट। तीन फ्रेजल वर्ब हैं और तीनों का अर्थ कितना शानदार है, कितना जगह इसकी जरूरत पड़ती है। बैंग अबाउट का अर्थ है बच्चे शोर मचाते हुए किसी जगह घूमे, तो इसे बैंग अबाउट कहेंगे या बैंग अराउंड भी कह सकते हैं। बहुत शोर मचाते हुए किसी जगह घूमना। अब देखें इसका इंग्लिश मीनिंग, मैंने हर एक का इंग्लिश मीनिंग भी दिया है। टू मूव इन ए प्लेस मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, ए लॉट ऑफ माने बहुत और नॉइज माने शोर। चिल्ड्रन वर बैंगिंग अबाउट इन द हॉल, बच्चे हॉल में शोर मचा रहे थे, शोर मचाते हुए घूम रहे थे। वाई आर यू बैंगिंग अबाउट हियर या देयर, तुम वहां शोर क्यों मचा रहे हो या मचा रहे थे। वाई वर यू बैंगिंग अबाउट देयर, तुम वहां पे शोर क्यों मचा रहे थे, शोर मचाते हुए क्यों घूम रहे थे। वाई आर यू बैंगिंग अबाउट हियर, तुम यहाँ पे क्यों शोर मचा रहे हो, या Why are you banging about? तुम शोर मचाते हो क्यों घूम रहे हो। तो इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी, अंग्रेजी की उदाहरण है। बैंग ऑन दूसरा फ्रेजल वर्ब है बहुत लंबे समय तक बोर करने तक बातचीत करना, दूसरा बोर हो जाए। देखें इंग्लिश मीनिंग इसका टू टॉक एट ग्रेट लेंथ, बहुत समय तक बातचीत करना। शी बैंग ऑन फॉर एन आवर बट नो वन वाज लिसनिंग, वो इतनी देर तक एक घंटे तक बातचीत करती रही, कोई सुन नहीं रहा था, एक घंटे तक बोलती रही कोई सुन ही नहीं रहा था। अब देखें दे ऑलवेज बैंग ऑन फॉर आवर्स, वे हमेशा ही घंटों बातचीत करते रहते हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं, दोस्त लोग हैं पता नहीं क्या बातचीत करते होंगे। बैंग आउट, तेज आवाज में वाद्य यंत्र बजाना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, लाउडली माने जोर से। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लें, टू प्ले ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाउडली जोर से। शी वाज बैंगिंग द ट्यून आउट ऑन पियानो, वह पियानो पर बहुत जोर जोर से धुन बजा रही थी। प्लीज डोंट बैंग आउट ए ड्रम, कृपया करके ये जोर जोर से कम ड्रम तो मत बजाओ। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।